संजय सर बड़े समाचार खबर विश्वनाथ में बात करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की, जो कि श्री बागेश्वर सरकार गुरुजी से जुड़ी हुई है। आज उनके द्वारा एक बड़ी बात कही गई गौ हत्या को लेकर। अपनी बात कही गई, उनके द्वारा कहा गया कि मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड में दमोह एक ऐसा जिला है जहां सबसे अधिक गाय काटी जा रही है, और इसको लेकर उनमें खासी नाराजगी भी देखी गई। उनके द्वारा कहा गया है, गौ भक्तों से आह्वान किया गया है कि गौ हत्या पर अंकुश लगाने के लिए वह आगे आए। जिस तरह से गौ हत्या हो रही है वह प्रशासन के मुँह पर तमाचा है, और किस तरह से कड़े शब्दों में उनके द्वारा अपनी बात रखी गई, क्या संदेश गौ भक्तों को दिया गया, आइए हम आपको सुनाते हैं। पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, दमोह जिला बहुत ही धार्मिक है, बस बहुत जागृति की आवश्यकता है, वो तो समूचे भारत वर्ष में जागृति की आवश्यकता है, लेकिन दमोह के लोग जग करके सोए हुए लोग हैं, तो इन्हें जगाना बहुत सरल है, सनातन के लिए, मानवता के लिए। और जागेश्वरनाथ भगवान की यह पावन भूमि है, उनकी छत्र छाया में ये संपूर्ण जिला है, निश्चित रूप से सब आनंदित है और हम भी बहुत प्रसन्नचित्त हैं। दमोह जिला गौ भक्तों के लिए क्या संदेश? गौ भक्तों के लिए आज आवाहन कर रहे हैं, गौ माता के लिए सब शपथ लेंगे, जितने भी गौ भक्त हैं सब, मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा अगर गाय काटी जाती है तो वो दमोह जिले में काटी जाती है। ये देश का दुर्भाग्य है, मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है, और यहाँ की शासन प्रशासन के मुंह पर तमाचा है कि उनके रहते हुए सनातनीय संस्कृति और सनातन के हिंदुओं के रहते हुए गौ माता हमारा आदर्श है, जिनके पीछे गोपाल भागी, यहाँ इतना बड़ा बूचड़ खाना कसाई खाना, ये दुर्भाग्य है। तो यही कहेंगे, आज हम सब गौ भक्त शपथ ले रहे हैं गौ माता की रक्षा के लिए, तन मन धन निछावर करेंगे तो अद्भुत होगा, लोग जगेंगे, हमें ऐसा गौ माता की रज की चरणों की रज पर विश्वास है। दमों के लिए क्या आशीर्वाद देंगे ताकि दमों भी सुख खुशहाल हो सके और सुख सदैव सनातन संस्कृति से पूरा दमोह जिला जुड़ा रहे, मानवता बनी रहे, परस्पर एक दूसरे में प्रेम बना रहे, ऐसे ही हम बागेश्वर बालाजी के चरणों में मंगल कामना और प्रार्थना करते हैं। और ये भी कहते हैं कि प्रत्येक वर्ष एक ऐसा महोत्सव होता रहे जिसमें महापुरुषों का आना हो और दमोह जिला में सनातनीय संस्कृति का संचार ऊर्जा प्रवाहित। दमोह के कुंडलपुर में जो रुक्मणी जी का मंदिर बंद है, उसमें रुक्मणी जी की स्थापना के लिए हम दमोवासी चाहते हैं कि आपके नेतृत्व में एक अभियान चले। अगर यह अभियान चलता है तो दास की प्रमुख भूमिका होगी उसमें, पूर्व में भी हमने कहा है, और माता अभी भी जो है कुंडलपुर वाली रुक्मणी मैया, देखिए मध्य प्रदेश का ये गौरव का विषय है कि जिन रुक्मणी मैया का विवाह भूत भगवान युगल सरकार ठाकुर जी से कन्हैया जी से हुआ, उनका मंदिर प्राचीन यहाँ है। दमोह जिले का सौभाग्य है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि भारत सरकार सनातनी होने के बाद, मध्य प्रदेश में भी सरकार सनातन पक्षधर होने के बाद, हमारी रुक्मणी मैया कैद खाने में बंद है, ये दुर्भाग्य है। एक हस्ताक्षर अभियान चलना चाहिए, और जितने भी कृष्ण प्रेमी हैं, भगवत प्रेमी हैं, या कोई भी धर्म किसी का भी हो, किसी के भगवान बंद ना हो गए, फिर हमारी रुक्मणी मैया क्यों बंद रहे। तो एक अभियान चलना चाहिए और दास की अहम भूमिका। जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली खबर के साथ, तो देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार। नमस्कार, संजय सरवरिया समाचार।